हो गया 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 हो अच्छा फील हो रहा है और जिनके साथ स्टार्टिंग से रहा है उन्हीं के साथ मैं आज दूसरी पारी स्टार्ट किया हूँ और मैच भी आगे अच्छा खेलूंगा मैं उनके साथ। अच्छा आगे आगे क्या मैच जो है वहाँ खेलने जाएंगे, क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है, हमारे जितने भी कोच है अब कल बेंगलोर में मिलेंगे हम लोग, वहाँ से फिर फ्लाइट पकड़ के जाएंगे, तो वहाँ जो होगा साउथ अफ्रीका में वहाँ जाके हम लोग रणनीति तैयार करेंगे, वहाँ का विकेट देखेंगे, पिच देखेंगे, फिर उसके बाद से कौन क्या कर रहा है क्या कर नहीं कर रहा है वो सब हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसके बाद से मैच खेलेंगे। अच्छा कल जो मैच खेल कर आए जीता कर आए हैं शादी के बाद, तीन विकेट लिए 18 18 2 विकेट लगातार लिए। वो था सिचुएशन, या तो मुझे लास्ट ओवर करना पड़ता या तो पहले, तो सूर्या भाई ने जो सही समझा मुझे दिया और मैंने उस पर खरा मतलब उनको ऑनेस्टली से अपना काम करके दिया। गोपालगंज क्या है गोपालगंज के लिए कुछ कहिए? गोपालगंज बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे खेला भी हूँ और गोपालगंज बहुत ही उन्नति कर रहा है और हमारे जो सर डीएम सर है एसपी सर है ये लोग के अंडर में काफ़ी सुधार आया हुआ है, तो थैंक्स बोलना चाहूँगा कि क्रिकेट जहाँ तक मैं मेरे कान में आवाज़ आया कि मतलब सुनाई दिया कुछ दिन पहले से कि सर स्टेडियम ओपन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सर को तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के लड़के इधर उधर बहुत ज़्यादा जाते हैं खेलने के लिए, उनके पास बड़ा ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, तो अगर ये स्टेडियम बन जाता है तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही मतलब भविष्य उज्जवल रहेगा। तीनों फॉर्मेट में शामिल हैं तो ऐसा नहीं है वो लोग मतलब एक्चुअली अभी जो पहला सर्कल चल रहा है साइकिल चल रहा है उनमें से बहुत लोग जैसे समी भैया है, ईशांत शर्मा है, उमेश यादव, ये एक सर्कल के थे, तो अभी उनमें से दो लोग तो रिटायरमेंट के कगार पे हैं चाहे रिटायरमेंट लेने वाले हैं, वो भी बहुत ही मतलब लेजेंड है वो लोग, तो अभी अभी इंडिया टीम तैयार कर रही है नया मतलब नया बैच तैयार कर रही है, तो उसमें अगर मुझे चांस दिया है तो मैं उस पर कोशिश करूँगा खरा उतरूँ। दो स्टेडियम प्रपोज कर रहा हूँ, एक स्टेडियम तो हमारे गोपालगंज के पास होगा और दूसरा हम स्टेडियम जो बहुत बड़ा स्टेडियम होगा कटिया के पास होगा, दो दो स्टेडियम यहाँ प्रपोज कर रहे हैं ताकि मुकेश जैसे अन्य प्लेयर भी पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करें और उस टीम में शामिल हो सकें।